स्वागत है आप सभी लोगों का, पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि हम जान रहे हैं कि लगातार हम लोग क्लास डाल रहे हैं आप लोगों को, और ऑडिटिंग की हम लोगों ने अब तक 9 या 10 वीडियो बनाकर आपको भेजी हैं। निश्चित ही उनसे आपको लाभ प्राप्त हुआ होगा। हम यह तो नहीं कह सकते कि आपको वीडियो से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा या हम जो बता रहे हैं वो सब काफ़ी है। उसके लिए बुक्स आपको ज़रूर पढ़नी पड़ेगी, और बुक्स आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जब तक आप लोग बुक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको नॉलेज हो ही नहीं पाएगी, संपूर्ण नॉलेज। ठीक है ना, एक गाइडेंस यहाँ से मिल जाती है, लेकिन जितना बुक आप लोग पढ़ेंगे उतना ही आपको डीपली नॉलेज होती जाएगी। ठीक है, चलिए, पिछली क्लासों में हमने जो है कुछ क्वेश्चंस देखे और कुछ वीडियो देखी, और उन वीडियो के आधार पर हमने क्वेश्चन एनालिसिस किए कि जो यूनिवर्सिटी है वो कितने क्वेश्चंस उसमें से बना बना के देती है और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इससे हमको आइडिया हो गया और कॉन्फिडेंस आ गया कि इस तरीके क्वेश्चन आते हैं। आए के कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं धीरे धीरे, और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन और आते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो आज मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो अकाउंट से रिलेशन है, और कम अब तक आपने ये जान लिया कि जितने भी हमारे कंपनियाँ होती हैं उनके लिए ऑडिटिंग कराना कंपलसरी होता है। सोल प्रोप्राइटर के लिए ऑडिटिंग कराना एक वॉलेंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। पार्टनरशिप के लिए भी ऑडिटिंग कराना वॉलेंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, लेकिन कंपनी के लिए ऑडिटिंग कराना कंपलसरी है। कंपनी चाहे वो किसी भी तरह की कंपनी हो, अब कंपनियां कितने तरह की होती हैं ये हमको पता होना चाहिए। कंपनियों के अंदर ऑडिटिंग कौन करा सकता है, किसको अधिकार होता है अपॉइंट करने का, तो ये सब चीज़ें की जानकारी हमको जो मिलेगी, कंपनी के बारे में जो हमको मिलेगी नॉलेज, वो कहाँ से मिलेगी? वो हमको कंपनी एक्ट से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? कंपनी एक्ट से मिलेगी। अब कंपनी एक्ट जो है हमारे यहाँ, पहले तो पुराना चलता हुआ रहा था 2013, उसके बाद रिवाइज्ड हुआ 1956, और अब रिवाइज्ड हुआ 2013। तो समय समय पर अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। तो हमको जो कंपनी एक्ट एनालिसिस करना है वो 2013 एनालिसिस करना है, कि ऑडिटिंग के बारे में, ऑडिटर के बारे में, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, या कंपनियों के बारे में जो भी हमें तमाम जानकारी मिलेगी वो कंपनी एक्ट में ही मिलेगी, क्योंकि कंपनी का हम लोग ऑडिटिंग कर रहे हैं, और कंपनी के बारे में सारी जो नॉलेज मिलती है वो कहाँ से मिलती है? कंपनी एक्ट 2013 से मिलती है। तो ओवरव्यू के तौर पर जो हमारे काम की चीज़ है, इतना हम लोगों को पता होना चाहिए कि कंपनी एक्ट से कौन कौन सी चीज़ें हमको यहाँ पर निकालनी है, और उसकी हेल्प से हमें जो है ऑडिटिंग के बारे में समझना है। दूसरी बात, ये जो ऑडिटिंग में हम लोग कंपनी एक्ट को थोड़ा सा ओवरव्यू डालेंगे, थोड़ा सा इस पर आज लाइट डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, तो ये जो तुम्हारा कंपनी एक्ट के बारे में थोड़ा सा हम तुम्हें समझाएंगे, ये यहाँ पे तो काम आएगा ही आएगा, साथ में जो कॉरपोरेट अकाउंट है आप लोगों का, वहाँ पर पूरा आपको जो है हेल्प मिलेगी। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको कॉरपोरेट अकाउंट में मिलेंगे, और बीकॉम सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर कंपनी लॉ, ठीक है ना, कंपनी लॉ जो है वो भी सारा का सारा इसी से कनेक्टेड है। तो आज की क्लास ये ऐसे मान के चलिए कि 3 चीज़ों में काम में आएगी, बीकॉम फाइनल में तो ऑडिटिंग और कॉरपोरेट अकाउंट में, और इधर हम लोग जाते हैं बीकॉम सेकेंड ईयर में तो कंपनी लॉ में ये हमारा जो टॉपिक काम में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कंपनी एक्ट के बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं, थोड़ा सा जो हमारे काम की चीज़ है। ठीक है, पहली बात तो ये आप लोग समझ लीजिएगा कि जब भी हम लोग किसी भी बिजनेस को एनालिसिस कर ले तो उससे रिलेटेड हमारे पास लॉ होते हैं। जैसे पार्टनरशिप को हम लोग एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना हुआ है, भारतीय शायद अधिनियम 1932, या हमको जो है कोई पेटेंट्स के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए पेटेंट्स एक्ट बना हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है। ठीक है ना, ऐसी तरीके से हमारी कंपनी को एनालिसिस करने के लिए हमारे पास कंपनी एक्ट बना और उसको रिवाइज किया गया 2013 में। तो पीछे की बात हम लोग नहीं करेंगे, कंपनी एक्ट 2013 की बात करेंगे। ठीक है, तो कंपनी एक्ट 2013 में क्या क्या चीज़ें हैं इसको थोड़ा सा हम क्या क्या इसमें देखेंगे, ये देखिएगा आप, कंपनी एक्ट 2013, ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013। तो कंपनी एक्ट 2013 की मैं कुछ बात बताऊँ आपको, तो कंपनी एक्ट 2013 क्यों कहा गया, देखिएगा, कंपनी एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013
जब यह पास किया गया तो राष्ट्रपति द्वारा पास किया गया और 29 अगस्त 2013 को राष्ट्रपति महोदय ने इसको पास किया। देखो जैसे हमारे यहाँ नियम है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट जो है किसी भी रिजोल्यूशंस को, किसी भी जो है लॉ को पास करती है तो पहले राष्ट्रपति से पारित कराना, पहले जो है दोनों सदनों में, निच सदन उच्च सदन दोनों में पास किया जाता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति उस पर पास करते हैं। तो जब राष्ट्रपति उस पर पास कर देते हैं, बिल सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो अमेंडमेंट्स अप्लाई हो जाता है। तो शुरुआत जो है पीछे की इसकी हिस्ट्री बहुत अलग है, लेकिन हम तो ये जान रहे हैं कि राष्ट्रपति ने इस पर जो सिग्नेचर किए, राष्ट्रपति जी ने जो इस पर, माननीय राष्ट्रपति जी ने जो इसे पास किया, वो 29 अगस्त 2013 को पास किया गया। जब ये पास हो गया तो इसने काम करना शुरू कर दिया। इसने जो काम करना शुरू करा वो 1 अप्रैल 2014 से काम करना शुरू कर दिया। कब से शुरू कर दिया? 1 अप्रैल 2013 से। 29 अगस्त 2013 को राष्ट्रपति महोदय ने इस पर अपने सिग्नेचर किए, इसे इस रिजोल्यूशंस को पास किया। इसके बाद ये जो अप्लाई हुआ ये 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी हो गया, एप्लीकेबल हो गया, भारत के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं उस पर जो है एप्लीकेबल हो गया। इसके अंदर अगर बात करें बच्चों तो कितने इसके अंदर शेड्यूल हैं, कितने इसके अंदर सेक्शन हैं, कितने इसके अंदर चैप्टर्स हैं। देखिए जैसे संविधान में हमारे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, संविधान में बहुत सारे हमारे पास जो है सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, इसी तरीके से कंपनी एक्ट में भी हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो इसको हम लोग इसी तरीके से यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। देखिएगा कि कब ये पास किया गया, कब ये क्या हुआ, इसको हम लोग एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो राष्ट्रपति महोदय ने जो इसको पास किया वो पास किया, राष्ट्रपति महोदय ने जो पास किया वो कब किया, 29 अगस्त 2013। डेट ध्यान रखनी है आप लोगों को कि पास बाय रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जब पास किया गया, तो उसकी डेट क्या थी, उसकी डेट आपको ध्यान रखनी है, उसकी डेट है 29 अगस्त 2013। क्या ध्यान रखना है आपको, 29 अगस्त 2013 को ये जो कंपनी एक्ट है ये आपका क्या हो गया, पास किया गया। ठीक है, और ध्यान में क्या रखनी है आप लोगों को कि ये जो इसके अंदर कि हम लोगों को जो एप्लीकेबल हुआ, यानी यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि ये जो एप्लीकेबल हुआ ये कौन से सन से हुआ, कौन सी डेट से हुआ, अप्लाई या एप्लीकेबल, या लिख सकते हैं फोर्स इन, प्रभाव में जब आया, ठीक है ना, तो ये कौन सी डेट से आया, 1 अप्रैल 2014 से इसने काम करना शुरू कर दिया, 1 अप्रैल 2014 से इसने काम करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अगर हम लोग बात करें इसमें स्टूडेंट्स चैप्टर की कि कितने इसके अंदर चैप्टर हैं, कितने इसके अंदर सेक्शन हैं, कितने इसके अंदर शेड्यूल हैं, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा इसके अंदर जो आपके पास शेड्यूल है, ठीक है ना, शेड्यूल का मतलब हो गया अनुसूचियाँ। देखिए जो भी लॉ होता है वो विभिन्न विभिन्न खंडों में बटा हुआ होता है, विभिन्न विभिन्न पार्टों में बटा हुआ होता है, उसके आधार पर ही कोई लॉ तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले शेड्यूल के अंदर जो होते हैं चैप्टर के अंदर आपके सेक्शन होते हैं जो अलग अलग नियमों के आधार पर बनाए जाते हैं। तो बात करूँ मैं तो इसके अंदर जो शेड्यूल है अनुसूचियाँ, इसके अंदर कितनी अनुसूचियाँ बनाई गई हैं जो इसके बारे में जानकारी आपको देती हैं, अनुसूचियाँ इसमें हैं 7। कितनी अनुसूचियाँ इसके अंदर स्टूडेंट्स, 7 अनुसूचियाँ हैं। कितनी, 7, ध्यान रखनी है आप लोगों को, कितनी अनुसूचियाँ हैं, 7 अनुसूचियाँ हैं इसके अंदर। कितनी शेड्यूल है, 7। अगर हम लोग चैप्टर की बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर चैप्टर देखिए, ये राष्ट्रपति आ गया, ये एप्लीकेबल हो गया, ये शेड्यूल हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके अंदर चैप्टर मतलब अध्याय, शेड्यूल के अंदर चैप्टर होते हैं बच्चों, तो चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो 29 इसके अंदर चैप्टर है, यानी जो अध्याय है इसको जो बांटा गया है वो 29 अध्याय में इस एक्ट को बांटा गया है।
अलग अलग जो सेक्शन है, अलग अलग बारे में जो सेक्शन बताई गई हैं, वो 29 धारा 29 चैप्टर के अंदर इसको जो है बनाया गया है। अगर बात करें तो सेक्शंस जो हैं इसके अंदर, सेक्शंस यानी धाराएं जो हैं इसके अंदर वो कितनी हैं आपकी धाराएं हैं इनके अंदर 470, कितनी 470। हालांकि इसमें बहुत सारी धाराओं को बढ़ाया गया घटाया गया, तो फिलहाल जो है इसमें कितनी है 470 धाराएं हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि यह जब पास किया गया 29 अगस्त 2013 को राष्ट्रपति द्वारा पास किया गया और एप्लीकेबल कब से हुआ, 1 अप्रैल 2014 से ये एप्लीकेबल हुआ। इसके अंदर कितने शेड्यूल हैं, 7 अनुसूचियाँ हैं, 29 अध्याय हैं और 470 धाराएं हैं। कितनी है स्टूडेंट्स, 470 धाराएं। अब देखो इतना हम लोगों को पढ़ना तो बड़ा मुश्किल है ना, इतने सारे को हमको पढ़ेंगे तो वो कंपनी लॉ में या जो लॉ करते हैं वो सब इनको डीपली एनालिसिस करते हैं। हमें इसमें से अपने काम की चीज़ निकालनी है। चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें से मेरे जो काम के चैप्टर हैं स्टूडेंट्स वो कौन कौन से हैं वो देखिएगा। चैप्टर नंबर 3 चैप्टर देखिए मेरे काम के हैं, इन चैप्टर्स को मैं नीचे लेकर जा रहा हूँ। ये चैप्टर्स मेरे कौन कौन से हैं इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। चैप्टर्स को मैं लेके नीचे जा रहा हूँ, ये देखिएगा। इसमें से 3 चैप्टर्स हम लोग ले लेंगे जो हमारे रिलेटेड चैप्टर हैं, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर लेंगे हम लोग यहाँ पर, चैप्टर नंबर यहाँ पर लेंगे हम लोग 9, चैप्टर 9, ठीक है। चैप्टर 10 ये हमसे रिलेटेड है एंड चैप्टर नंबर 29, ओके। चैप्टर नंबर 9 आ गया आपके पास, यानी अध्याय 9, दूसरा अध्याय 10 और तीसरा अध्याय 29, ठीक है। ये हमारे काम के चैप्टर हैं, यानी काम के तो सभी हैं, कंसर्न है यानी ये हमसे रिलेटेड है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए हमको ये पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ध्यान रखें, ऑडिटिंग में आप लोग देखें लास्ट ईयर का पेपर तो सेक्शंस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कम से कम 13 से 15 क्वेश्चन सेक्शंस के बारे में पूछ रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी कौन से सेक्शन में डिफाइन की गई है, प्राइवेट कंपनी कौन से सेक्शन में डिफाइन की गई है, AGM का कौन सा सेक्शन है। तो इसलिए आपको जो है कुछ भी पूछ सकता है, सब चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। चैप्टर 9 की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो चैप्टर 9 आपके बारे में बताता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, खातों को रखना कैसे है, खाते कैसे मेंटेन करने हैं, खाते रखने के नियम क्या होते हैं, कौन कौन सी कंपनियां किस किस तरह के खाते मेंटेन कर सकती है, कैशबुक कैसे मेंटेन करना होता है, कैशबुक का मेथड क्या है, उसको फॉलो कैसे कर सकते हैं हम लोग, कौन से मेथड से हम लोग अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, ऐसी तमाम बातों की चर्चा जो की गई है वो चैप्टर नंबर 9 में की गई है। यानी मैं अगर बात करूँ तो चैप्टर नंबर 9 जो बताता है वो आपसे बताता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या बताता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी खाते रखने कैसे हैं इसके बारे में जानकारी आपको क्या देता है, चैप्टर नंबर 9 देता है। कौन सा देता है, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 10 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 10 बताता है ऑडिटर एंड ऑडिटिंग के बारे में। चैप्टर नंबर 10 क्या बताता है, ऑडिटर एंड ऑडिटिंग, ओके। अंकेक्षण कौन बन सकता है, अंकेक्षण कौन नहीं हो सकता है, अंकेक्षण और अंकेक्षण के बारे में बताएगा ये वाला जो चैप्टर है, ठीक है। ये किसके बारे में बताएगा, खाते रखने के प्रकार, खाते रखने के तरीके, ठीक है, खातों के जानकारी, खाते की जानकारी के बारे में बताएगा स्टूडेंट्स। और ये आपको बताएगा अंकेक्षण और अंकेक्षण की क्या योग्यता होनी चाहिए, उसको कौन कौन अपॉइंट कर सकता है, उसकी क्या क्या जो है डिसेबिलिटीज़ हैं, उसको कब पद से हटाया जा सकता है, उसके अधिकार क्या हैं, उसके ड्यूटी क्या हैं, उसके जो है ये सब चीज़ें हम लोग किस में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 29 की अगर बात करें तो इसके अंदर परिभाषाएँ दी गई हैं, इसके अंदर बताया गया है डेफिनेशंस, क्या बताया गया है, परिभाषाएँ को बताया गया है। और परिभाषाएँ जितनी भी आपकी हैं वो सब की सब सेक्शन 2 के अंदर आती हैं, आपको पता ही है। इनकम टैक्स आप लोगों ने बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ा तो बीकॉम सेकेंड ईयर में सब सेक्शंस की परिभाषा देखिए आप, 2 के अंतर्गत है, ठीक है ना, 2 के अंतर्गत सेक्शन 2, सब सेक्शन कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में आप लोगों को ढंग से बताया गया है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि क्या हमारे पास कब ये पास हुआ,
कब एप्लीकेबल हुआ, कितने शेड्यूल हैं, कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शन हैं, हमारे जो रिलेटेड चैप्टर हैं वो चैप्टर नंबर 9 किससे रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 10 किससे रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 29 किससे रिलेटेड है। चलिए कुछ सेक्शंस हम लोग याद करेंगे, कुछ डेफिनेशंस हम लोग देखेंगे जो रिलेटेड हैं, जो हमारे काम में आने वाली है। तो चैप्टर नंबर 29 के हिसाब से अगर हम लोग चलें तो चैप्टर नंबर 29 में कुछ डेफिनेशंस को हम लोग क्लियर करेंगे यहाँ पर। चैप्टर नंबर 2 के हिसाब से चलें स्टूडेंट्स, तो देखिए कौन कौन सी देखेंगे हम लोग। एक कंपनी होती है स्टूडेंट्स, क्या होती है कि कंपनी, नॉर्मल कंपनी की परिभाषा को हम लोग एनालिसिस करेंगे। किसको देखेंगे, कंपनी को। किसको देखेंगे, कंपनी। कंपनी की जो सेक्शन है हमारे पास, कंपनी के सेक्शन 220 में कंपनी को एनालिसिस किया गया है कि एक कंपनी जो हो सकती है वो कौन सी हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है, ये कौन से सेक्शन में बताया गया है, 220 में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं आपसे, सेक्शन वाइज चल रहा हूं मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, विदेशी कंपनियाँ कौन सी होती हैं। फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी, विदेशी कंपनी को जो एनालिसिस किया गया है वो 242 में एनालिसिस किया गया है, 242 में विदेशी कंपनी को एनालिसिस किया गया है। इसके बाद हम लोग होल्डिंग कंपनी को एनालिसिस करेंगे, होल्डिंग कंपनी को हम लोग सूत्रधारी कंपनी हिंदी में बोलते हैं, इसको एनालिसिस करेंगे, 245 में इसको एनालिसिस किया गया है, 245 की एक होल्डिंग कंपनी क्या होती है, कैसे होल्डिंग होल्ड करती है, इसके बारे में बताया गया है 245 में। होल्डिंग के बाद आगे चलूँगा स्टूडेंट्स में, तो सब्सिडीज कंपनी, सब्सिडीज कंपनी की मैं बात करूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं सहायक कंपनी। सहायक कंपनी को जो डिफाइन किया गया है 287 में डिफाइन किया गया है, किस में डिफाइन किया गया है स्टूडेंट्स, 287 में इसको डिफाइन किया गया है सब्सिडीज कंपनी को, ठीक है। इसके बाद आगे चलता हूँ तो एक पढ़ेंगे हम लोग सहचरी कंपनी, सहचरी कंपनी क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सहचरी कंपनी को एनालिसिस किया गया है 2.6 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, 2 सबसेक्शन 6 के अंतर्गत किया गया है। एक हम AGM के बारे में पढ़ेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक साधारण सभा, किसको पढ़ेंगे हम लोग, वार्षिक साधारण सभा, एनुअल जनरल मीटिंग की सेक्शन जो है वो 96(1) के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। इसको हम सब एनालिसिस करेंगे, ठीक है। चलिए कंपनी क्या होती है, कंपनी के बारे में अगर बात करें तो कंपनी की परिभाषा 220 में दी गई है, और सीधी सी बात समझ लीजिएगा, देखो इनको समझना बहुत आसान है, कंपनी, फॉरेन कंपनी। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट, तेज़ी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ये काम आएगा आपका, इसी तरीके से लिख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। अब हम देखें इनके बारे में एनालिसिस करेंगे आपसे कि ये देखिएगा, परिभाषाओं के बारे में हम लोग चल रहे हैं ऊपर, तो ऊपर देखिएगा आप लोग, चलिएगा परिभाषाओं में बात करूं मैं सबसे पहले आप लोगों से। देखिए सिर्फ काम की बातें करेंगे तो सेक्शन 220 क्या कह रहा है, सेक्शन 220 ये किसके बारे में बताती है, सेक्शन 220 आपको ध्यान रखना है कंपनी के बारे में बताती है, किसके बारे में बताती है, कंपनी के बारे में बताती है, धारा 2 सबसेक्शन 20, ठीक है। किसके बारे में बताती है, कंपनी के बारे में। तो कंपनी क्या होती है कि देखिए, कंपनी वह होती है, कंपनियां कितने तरह की हो सकती हैं ये बताती है। तो कंपनियां सरकारी कंपनी हो सकती है, सूत्रधारी कंपनी हो सकती है, सहायक कंपनी हो सकती है, विदेशी कंपनी हो सकती है, या सहचरी कंपनी हो सकती है। यह सब कंपनियों के प्रकार होते हैं। तो ये सब बताया गया है कि कंपनी क्या होती है, बोले जिसका भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुआ हो वो भारतीय कंपनी होती है, और जिसका भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होता है वो कैसी कंपनी होती है, विदेशी कंपनी होती है। कैसी कंपनी होती है, विदेशी। तो कंपनी और विदेशी कंपनी के बारे में तो आपको तुरंत ही पता चल जाना चाहिए कि फॉरेन कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो फॉरेन कंपनी जो होती है स्टूडेंट्स, विदेशी कंपनी को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, 242 में डिफाइन किया गया है, 242 में डिफाइन किया गया है, कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 242 में डिफाइन किया गया है। वह कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन भारतीय कंपनी अधिनियम इंडियन कंपनी एक्ट 1956 रिवाइज्ड एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है
वह कंपनी कैसी कंपनी होती है, विदेशी कंपनी होती है, सीधी सीधी सी बात है, या जिसका नियंत्रण या जिसका होल्डिंग जो है वो विदेशों के हाथ में होता है, ऐसी कंपनियां वो कैसी कंपनी कहलाती है, विदेशी कंपनी कहलाती है। इससे पहले वैसे हमको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि होल्डिंग क्या होती है, सब्सिडीज क्या होती है, लेकिन ये आपको कॉमन सेंस की बात समझ लेनी है, इसका डेफिनेशन। दूसरा, विदेशी कंपनी की एक ही बात समझनी है, जिसका रजिस्ट्रेशन, जिसका जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, वो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत नहीं आता है या नहीं हुआ है, वह कंपनी विदेशी कंपनी होती है या इल्लीगल भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, क्या हो सकती है, इल्लीगल भी हो सकती है, क्योंकि अगर इंडिया के अंदर कोई कंपनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं है और फिर भी काम करे तो इल्लीगल है। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जो विदेशों से आके आए हैं, विदेशों से पैसा लाए हैं और उन्होंने रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं कराया, वो अपने फॉरेन से ही रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, तो वह कंपनियाँ कैसी कंपनी कहलाएंगी, विदेशी कंपनी कहलाएंगी। खैर, हम बात करेंगे आप लोगों से होल्डिंग कंपनी की, इसकी बात करेंगे आप लोगों से होल्डिंग कंपनी की बात करेंगे। होल्डिंग कंपनी को जो डिफाइन किया गया है वो 245 में डिफाइन किया गया है। होल्डिंग कंपनी, देखिए, होल्डिंग कंपनी को हम लोग बोलते हैं सूत्रधारी कंपनी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सूत्रधारी कंपनी। क्या बोलते हैं इसको? सूत्रधारी कंपनी। इसका एक नाम और है जिसको हम लोग बोलते हैं नियंत्रक कंपनी। क्या है? नियंत्रक कंपनी, ठीक है। कौन से सेक्शन में ये डिफाइन की गई है? एक मिनट, स्टूडेंट्स, ये आवाज़ आ रही है।